हाय, आज मैं कोई तुम्हें मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे प्यार के बारे में बताऊंगा जो कभी पूरा ही नहीं हो सका। एक ऐसे लड़के की कहानी जो कभी अपना प्यार बयां ही नहीं कर सका और शायद से कभी कर भी नहीं पाएगा। 6 मार्च सुबह के 6:30 बजे आज भी याद है वो दिन जब उसको पहली बार देखा था। स्क्रॉल करते करते जब उसका चेहरा सामने आया था, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, ये मैसेज करके उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। वैसे लगा तो नहीं था, सच बताऊं, कि उसका मैसेज आएगा, लेकिन 9 मार्च 3 दिन बाद गुड मॉर्निंग का उसका मैसेज मैंने पाया था। मैंने भी पूछा, कैसे हो? तो सामने से, मैं ठीक हूं, आप बताओ, कहा रिप्लाई आया था। मैंने भी मस्ती मस्ती में, अरे अगर आप ठीक हो तो मैं कैसे खराब हो सकता हूं, कहकर उसका दिल लुभाया था। और पता ही नहीं चला कि कैसे बातों बातों में क्रश से दोस्त बन गई और दोस्त से दोस्त ही। कभी कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अगर मिला भी तो यार उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये कहकर गवा दिया। 15 जून, लगा तो नहीं था कि उससे आखिरी बार बात हो रही होगी। जब उसको समझाया था कि छोटी छोटी बातों पर सैड होने का कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटी सी है जिंदगी, बहुत प्यारी है जिंदगी, हर पल को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, बिकॉज टुमारो इज नेवर प्रोमिस्ड। बहुत प्यारी है जिंदगी, बहुत बहुत प्यारी है जिंदगी। पता है, आज भी सोता हूं ना तो ऐसा लगता है ये बुरा सपना है, अभी टूटेगा। और जल्दी से जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि देख मैंने क्या देखा, और कल से उसको ऑनलाइन स्टॉक करूंगा। सुबह के 4 बजे तक उसके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। उसके देर रात तक जागने की वजह से उसको सोने के लिए डांटूंगा, पूछूंगा कि उसने खाना खाया भी या नहीं, और एक बार ना यकीन होने की वजह से उससे दोबारा पूछूंगा कि तू ठीक है भी या पता है, इतना सब होने के बाद ना बहुत चीजें सीखी हैं, बहुत। में से कुछ है कि आपको नहीं पता जिससे आप बात कर रहे हो वो माइट बी लास्ट बार हो। अगर आप सो रहे हो तो आपको नहीं पता कि कल आपकी सुबह होगी भी या नहीं। आपको नहीं पता जो इंसान सोशल मीडिया पर इतना खुश रहता है, हंसते हुए दिखता है, यही कैमरा बंद होने के बाद, उसके घर में जाने के बाद, वो कुंडी दरवाजा लगने के बाद उसके साथ क्या होता हो, आपको नहीं पता। इसलिए अगर आपके दिल में कुछ भी है किसी के लिए भी ना, तो बता दो, आज ही बता दो, क्योंकि कल को अगर ऊपर वाले का बुलावा आया तो तुम हंसते हंसते जाओ, रिग्रेट्स के साथ नहीं, रिग्रेट्स के साथ नहीं। पता है, यहाँ कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और आपकी जिंदगी बदल डालते हैं, और कुछ लोग जाते हैं और पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत। आई मिस यू।